हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय करेंसी के बारे में। बहुत कम लोग हैं जिन्हें उनकी जेब में रखे करेंसी नोट की पूरी जानकारी होती है। मसलन नोटों पर आरबीआई गवर्नर का ही हस्ताक्षर क्यों होता है, इस पर लिखे गए प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है, हम इसी बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। करेंसी नोट हम सबकी रोजाना की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। डिजिटल पेमेंट के दौर ने भी करेंसी नोट के चलन को लगभग न के बराबर ही प्रभावित किया है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिजिटल पेमेंट की झंझट से बचने के लिए करेंसी नोट का ही इस्तेमाल करते हैं। 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी नोट की अपनी पहचान, खासियत और कीमत होती है। आपने अक्सर नोटों पर यह लिखा हुआ देखा होगा कि मैं धारक को 10, 20, 50, 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन हर नोट पर ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है? आखिर नोटों पर ये क्यों लिखा जाता है? अगर अभी भी आपको पता नहीं है तो चिंता मत कीजिए, हम आपको इस वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा प्रेस करना ना भूलें। शुरू करने से पहले कुछ विशेष जानकारी है, वो जान लेते हैं करेंसी नोट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों छापता है करेंसी नोट? हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय विधानसभा में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को देश में करेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत उसे करेंसी नोट जारी करने का अधिकार मिलता है। 1935 के पहले भारत सरकार ही नोटों की छपाई किया करती थी। 1 रुपए की नोट नहीं जारी करता है आरबीआई। भारत में नोटों की छपाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन का काम केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लेकिन आरबीआई 1 रुपए की नोट जारी नहीं करती है। 1 रुपए के नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। अन्य सभी नोटों पर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में अगर आरबीआई नोट छापती है तो वर्तमान में जो हमारे गवर्नर है उसके हस्ताक्षर ही होंगे। आरबीआई कैसे तय करता है कि कितने नोटों की छपाई करनी है? भारत में करेंसी नोट की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत ही होती है, जिसे MRS सिस्टम भी कहा जाता है। 1957 से ये व्यवस्था लागू है। MRS के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखनी होती है। इस 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी के रूप में होनी चाहिए। अपने रिजर्व में इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई के पास अर्थव्यवस्था में जरूरत के हिसाब से नोटों की छपाई करने का अधिकार होता है। हालांकि इसके लिए उसे भारत सरकार से अनुमति भी लेनी होती है। मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा क्यों लिखा जाता है हर नोट पे जितने की वो नोट होती है? तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, करेंसी नोट पर इसे लिखने से देश में इस करेंसी की वैल्यू को लेकर लोगों में एक विश्वास होता है कि इतनी कीमत के लिए वे इस नोट को खर्च कर सकते हैं। नंबर 2, ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। इससे करेंसी होल्डर को ये पता चलता है कि ये नोट भारत में कानूनी रूप से मान्य है, उसे नियम अनुसार इस नोट को अपने पास रखने में कोई कानूनी जोखिम नहीं है। नंबर 3, नोटों पर लिखा जाने वाला यह प्रोमिसरी नोट आरबीआई की ओर से एक तरह का बिना शर्त का वादा होता है कि वो करेंसी होल्डर को इतनी ही रकम देने का उत्तरदायी है। नंबर 4, अगर किसी करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ ये प्रोमिसरी नोट नहीं लिखा होता है तो कोई भी देशी विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करेगा, वो इस नोट को एक्सचेंज वैल्यू को लेकर निश्चित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार करेंसी नोटों पर यह प्रोमिसरी नोट एक तरह का लिखित वादा होता है। इसमें एक पार्टी नोट जारी करती है, दूसरी पार्टी को उस नोट की कीमत को लेकर लिखित वादा करती है। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और इस प्रोमिसरी नोट वाले करेंसी नोटों को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने का मतलब है कि व्यक्ति ने आरबीआई के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसे भारत सरकार का समर्थन है, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और यह आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में ऐसे ही टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।